लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेतं शृङ्गमान्तये विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाभ्यं परं धाम जगद्धामनुमामित जय श्रीरूपनाथन भट्टरघुनाथ श्रीरूपाय भट्टदास रघुनाथ ते छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमत्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की शिवास पंडित की सकल आचार चरण की ब्रज रानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की श्री प्रिया प्रियतम की श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे महाप्रभु के परम कृपा पात्र श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद विरचित श्री राधा रस सुधा सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 2 जस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोऽथ धन्याति धन्यपवने न कृतार्थमानि जोगेन्द्रदुर्गमगतिमधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभवो दिशेति। कल हम लोग श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद का जीवन चरित्र श्रवण किए। ये ब्रज लीला के तुंग विद्या सखी जो वाद्य कला प्रियालाल को वाद्य कला के द्वारा सेवा करती है। श्री गौरांग महाप्रभु जितनी सखियां हैं और जितने भी भगवत पार्षद हैं सबको मंजरी भाव की उपासना देने के लिए आए थे। स्वयं श्री कृष्ण भी प्रिया जी की सेवा मंजरी रूप में करते हैं और खास करके प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी मंजरी हैं सखी, लेकिन इस पूरे श्लोक में स्तुति में राधा पद दास की कामना की है। हमको सेवा मिलनी चाहिए प्रिया जी की, सखियों की सेवा से भी उत्कृष्ट सेवा मंजरियों की है, दासियों की है। जो सेवा सखियां नहीं कर पाती हैं उस सेवा को मंजरियां कर लेती हैं, इसीलिए उस रस को प्राप्त कराने के लिए श्री गौर का अवतार हुआ और श्री गौरांग महाप्रभु उसी रस को अपने प्रत्येक परिकरों को, चाहे मुरारी गुप्त हो या स्वरूप दामोदर हो राय रमानंद हो, सबको सेवा। श्री गौर महाप्रभु भी कभी राधा भाव विभावित हो जाते थे, कभी स्वयं अपने को गौर कृष्ण मानने लगते थे, मैं श्री कृष्ण हूँ, और कभी दासी बन करके प्रिया जी की सेवा करते हैं। ये तीन भाव महाप्रभु के हम लोग देखेंगे कि ये पूरा राधा रस सुधा निधि में हाँ सखी, लेकिन भाव है राधा परदासी की, किंकरी भाव है, ये सर्वोत्कृष्ट भाव है। जिस भाव का प्रचार करने के लिए और आस्वादन करने के लिए गौर का अवतार हुआ है,
अब इस श्लोक में अपना एक किसी श्लोक के द्वारा अपने प्रत्येक अपने हराद की वस्तु हृदय की वस्तु प्रकट कर दिए हैं प्रबोधन सरस्वती पाद। कहते हैं कदापि जोगिंद्र दुर्गम गति, बिना ऐश्वर्य ज्ञान के माधुर्य टिकता नहीं। ऐश्वर्य क्या है? संरक्षक मधुर रस की। प्राइम मिनिस्टर आकर के यदि यहाँ झाड़ू लगावे और झाड़ू लगाए तो दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगावे तो पूरा दुनिया ध्यान दे। तो ये मधुर रस प्रिया जी के गले की हार बना रहे हैं, चरण सेवन कर रहे हैं, देवी पूजन कर रहे हैं, प्यारे श्याम सुंदर। कौन कर रहा है? तो नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत अपवाद। गोपियां प्यारे श्याम सुंदर को फटकारती हैं या सेवा लेती हैं, लेकिन ये जानती हैं इनकी महात्म ज्ञान का विस्मृत नहीं होता है। ये कौन है वो जानती हैं, श्री कृष्ण कौन है। इसीलिए मधुर रस की आस्वादन के पहले भगवान की थोड़ा ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं। कहते हैं कदापि जोगिंद्र दुर्गम गति, किसी समय की बात है, जोगिंद्र दुर्गम गति। जोगियों के मालिक कौन है? शंकर जी। अर्थात जिस गति को, जिस वस्तु को शिव जी भी नहीं समझ पाते हैं। शिव जी किसको नहीं समझ पाते हैं? श्री कृष्ण भगवान। मधुसूदनों की, वह मधुसूदन की क्या स्थिति है? तो जस्या राधाया वसनान चल खेल नुक्था। प्रिया जी खेल में या क्रीड़ा में, निवृत्त निकुंज की क्रीड़ा में प्रिया जी के वस्त्र का अंचल थोड़ा सा चला, और वह अंचल चलने से प्यारे किशोरी जी के अंग गंध प्यारे श्याम सुंदर के पास गया, तो उसको जाने मात्र से ही धन्याति धन्य पवने में कृतार्थ मानी, धन्य धन्य आज पवन तुम्हारा सार्थक हो गया। गंधवा पवन का एक नाम है, गंधवाहक, गंध को वहन करता है। आज प्रिया जी के श्री अंग सौरभ का तुम वहन किया है, धोया है, तुम बड़ भागी है। धन्याति धन्य पवने कृतार्थ मानी, आत्मानं कृतार्थं मन्यते, अपने आप को सबसे भाग्यशाली कृतार्थ मानने लगे। तस्या वृषभानुभूयो दिशेपि नमस्ते, उस वृषभानु सुता के भू स्थाई भाव यहाँ पर है, दिशो उस दिशा को हमारा नमस्कार है। आचार्य चरण कहते हैं उसी दिशा को नमस्कार है जिस दिशा में प्रिया जी की लीला चल रही है। आचार्य लोग कहते हैं कि जो भी साधक भक्त हो, यदि वृंदावन में हो तो बरसाने की हवा की याचना करेगा या जावट की। अर्थात प्रिया जी की जहाँ जिस क्षेत्र में जिस समय जहाँ लीला चलती है उस तरह का यदि हवा आवे तो प्रिया जी की अंग गंध का अनुभव होगा। वही नहीं करते बल्कि साक्षात यहाँ पर श्याम सुंदर भी कर रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद करुणा के अवदान जो गौर के हृदय की वस्तु है। श्री गौरांग महाप्रभु तो जन साधारण में प्रचार नहीं किए, गौर महाप्रभु आकर के इस रस का केवल आस्वादन किए और अपने निजी गणों को यह रस दे करके गए। जितने भी खंड षड गोस्वामी वृंद हैं या कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, प्रबोधानंद सरस्वती, राय रामानंद, मुरारी की खड़चिया, जितने भी महापुरुष, वही महाप्रभु के हृदय की वस्तु इस प्रचार किए हैं। और खास करके यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती क्या किए हैं, तो उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका भक्ति का स्वादन स्वयं किए और करके जगत में प्रचार किए। व्रत निकुंज को राधा की सेवा परायण किंकरियां ही इस रहस्य को जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जानता।
तो उसी को देने के लिए यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अपने हृदय की वस्तु श्री गौरांग महाप्रभु के नेत्र से जो मिला था उसी वस्तु को आज प्रकट करने जा रहे हैं। यहाँ प्रायः देखा जाता है कि ये प्रबोधानंद सरस्वती तुंग विद्या सखी के अवतार है, लेकिन यहाँ सखी की कोई लीला वर्णन नहीं करे, न सखी की वस्तु इच्छा करेंगे। सखी सखी जिस रस में रहती है उसका, वे केवल राधा पददास ये गौर करुणा की कृपा साक्षात प्रकट करेंगे। इसमें राधा दास से मंजरी भाव यह अत्यंत सुगोप्य है, अत्यंत गोपनीय है, जिसको आज तक वेद प्रकट नहीं किया, न पुराण प्रकट किया, न उपनिषद प्रकट किया। जिस वस्तु को हमेशा गुप्त रहा, जहां भी कहा गया है, कहीं वर्णन किया गया है किसी संहिता इत्यादि में, तो वहां बार बार कहा गया है गोपनीयम 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 प्रियतमता, इस रहस्य को खोलो मत गोपनीय रखो। वास्तव में ये गोपनीय ही वस्तु है, यदि किसी को प्रकट भी किया जाए तो अनधिकारी इसको समझ नहीं सकते, और अधिकारी एक एक पद पर आनंदित होते हैं। इस रहस्य को सब लोग समझ भी नहीं सकते, खास करके जो गोपियों की अभिष्ट वस्तु है, साध्य वस्तु है, राधा पददास्य प्रिया जी के चरण की सेवा। आ इस सेवा में किसका अधिकार है, तो राधा स्नेहाधिका भाव लास रति जिसके पास है। देखिए सखियां भी तीन प्रकार की हैं, कोई ततस्ता है, कोई विपेक्षा है, कोई सुहृद प्रेक्षा है। ये सखी भी बहुत, कोई कृष्ण से प्रेम करती है, कोई जुगल सरकार दोनों से प्रेम करती है, और एक सखी है केवल राधा स्नेहाधिका। तो राधा स्नेहाधिका, राधा स्नेहाधिका भाव लास रति का वर्णन इस राधा रसुधा निधि में। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि राधा रानी के सखियों का जो विभिन्न है, विभिन्न प्रकार की सखियां हैं, राधा रानी के प्रति जिसकी रति संचारी है, उसी रस का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इसी भाव लास राधा स्नेहाधिका की करियों की जो अस्थाई भाव है, यही गौड़ीय वैष्णव की हृदय की राग रस। गौड़ीय वैष्णव अर्थात श्री गौरांग महाप्रभु के जो अनुगत हैं, वो सदैव इसी रस में रहते हैं। खास करके मंजरियों की सेवा क्या है, मंजरियां रात दिन क्या करती हैं, तो उज्ज्वल नील मणि में लिखा गया है इन लोगों की सेवा भी विभिन्न प्रकार की है। सबसे बड़ी सेवा है तांबूल अर्पण, ये मंजरी की सेवा है। पाद मर्दन प्रिया जी के चरण का संवाहन करना, प्रिया जी कहीं अभिशाप में जाती हैं तो पान का डब्बा जरूर लेंगी मंजरियों, मंजरियों के हाथ में रहेगा, और जल की झारी रहेगी, जल रखे रहेंगे, कम जल की आवश्यकता है। और खास करके अभिसार इत्यादि में जो सेवा है, ये मंजरी की ही सेवा है, अर्थात मंजरियां केवल राधा रानी के सुख का ही विधान है। और सखियां में भी जो परम प्रेष्ट सखी है, जो प्रिया जी की अतिशय प्यारी है, उन सखियों के अधीनस्थ मंजरियां रहती हैं। और खास करके राधा कृष्ण की रहस्यात्मक भूमि जो गमना गमन है, जावट से वृंदावन, जावट से गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड, फिर बरसाना से वृंदावन की स्थिति जो गमना गमन है, उसमें राधा पददासियों का विशेष सेवा है। खास करके मंजरी भावापन्न जितने भी साधक हैं, वो कहीं भी किसी भी अवस्था में कुछ भी कर रहे हों, लेकिन एक शरीर से प्रिया जी की सेवा करेंगे हमेशा। वो लगेगा कि बात यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उनका मन वहां पर, क्योंकि गुरु जी ने दीक्षा देते समय उनका स्वरूप का दान दे दिया और सेवा भी दे दिया, और रात दिन इस सेवा में रहेंगे। लगेगा ऐसे संसारिक लोगों से बात कर रहे हैं, साधारण झाड़ू लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मन एक स्वरूप से उस लीला का चिंतन करता है। इसी को साधना कहते, इसी को भजन कहते हैं। अर्थात एक साधक देह है और एक सिद्ध देह। तो हम लोग इस ग्रंथ में देखेंगे कि इसमें हमेशा उस सिद्ध देह की चर्चा की गई है। प्रबोधानंद सरस्वती एक साधारण सन्यासी के रूप में यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी स्थिति यही सन्यासी के रूप में ही नहीं है, वो साधारण व्यक्ति है ही नहीं।
उस समय के समय भारत वर्ष में सबसे बड़े विद्वान थे, इनके पास वेदांत तर्क सांख्य वैशेषिक ज्ञान यहाँ तक कि मीमांसा आगम निगम महापुराण इतिहास पंचरात अलंकार कल्प नाटक इत्यादि जितनी सारी विद्याएं सब विद्या इनके ग्रंथ में देखने को मिलती है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद अब देखिए रस शास्त्र में ही घुसे हैं तो रस शास्त्र के उच्चतम स्थिति पर पहुंच गए, अपने प्रत्येक ग्रंथों में वर्णन किए और वे सिद्ध देह के स्वादन और साधका वेश में प्रार्थना, ये दो बात है इनका। जैसे हम लोग अभी विलाप पुष्पांजलि पढ़े तो रघुनाथ दास गोस्वामी की दो स्थिति थी, एक साधक देह में आते ही विलाप चालू और सिद्ध देह में आते ही सेवा सुख का स्वाद, ये दो सेवा हमेशा चल रही है। एक रूप में प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन में वास कर रहे हैं और एक रूप में सिद्ध देह में प्रिया जी की सेवा में लगे हुए, और जब साधक देह में आते हैं तो देखेंगे वृंदावन महिमा मृत में अपने को कोसते हैं, अपने को हमारे जैसा घृणित पतित जीव चाहता है वो उज्ज्वल रस जिसको अभी खाने की इच्छा है, देखने की इच्छा है, संसारिक लोगों से बात करने की इच्छा है और इच्छा है हमारा वही मंद कभी जैसा पार्थ। हमारा प्रार्थ तो इतना बड़ा है प्रिया जी की केली निकुंज की सेवा करना और हमारी स्थिति तो देखो, ऐसी स्थिति इनकी रहती है और खास करके बार बार प्रिया जी के चरण कमल के सेवा करने की इच्छा, साधका वेश में राधा दास की सघन घनघोर इच्छा। आ उस समय गुरु पद प्रदत्त, देखिए हम लोग जो यहाँ पर जो भी साधना चलती है ये साधना है, जैसे अभी शाम को होता है जीव गोस्वामी पाद का लिखा हुआ गोपाल चंपू, ना गोपाल चंपू चल रहा है ना, अरे बृहद भागवत सनातन गोस्वामी, तो ये सब जितने गोस्वामियों का ग्रंथ है उस सब गोस्वामी दो रूप में वर्णन किए, साधन और सिद्ध। साधक ये शरीर साधक है, इसी शरीर से उस वस्तु को प्राप्त करना है प्रिया जी के लिए, उसका साधन क्या है तो चार साधन बतलाए गए, स्मरण करना कीर्तन करना श्रवण करना और ये क्या है नाम जप, भागवत में है ना चार आदमी कपिल भगवान चार साधन बताए है, चार साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए, एक कथा सुनना फिर उसका स्वादन करना, केवल कथा सुन करके चले गए तब नहीं, कथा सुनना श्रवण करना फिर उसका कीर्तन करना फिर स्मरण करना अंग है। तो देखिए यहाँ पर सिद्ध स्वरूप में आत्म भावना ही गौड़ीय आचार्यों की भूत शुद्धि है, शरीर की शुद्धि क्या है अपने स्वरूप का हमेशा तजु ताजा रखना, हमेशा रखना हमारा क्या स्वरूप है। अतएव यही भावना को लेकर के साधक कहीं भी ब्रज में किसी भी गांव में किसी भी कुंज में कहीं भी पड़ा हुआ है, पड़ा है लेकिन एक शरीर से ऊपर वहां पर पड़ा है, और खास करके इस ग्रंथ की जो रचना है हुई है इसी में कि यदि कोई साधक उस रस का स्वादन करना चाहता है तो इन महापुरुषों की ग्रंथ का आश्रय लेकर के उस रस का स्वादन करें। अब इस श्लोक में तीन बात कहा गया, क्योंकि मंगलाचरण का प्रकार तीन भी है, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि से मंगलाचरण चरण है त्रिविध प्रकार, तीन प्रकार का है, वस्तु निर्देश आशीर्वाद और नमस्कार। तो इस श्लोक में तीनों वस्तु का दिग्दर्शन कर दिया गया अर्थात यहाँ पर कह दिया गया है कि तस्या नमस्तु वृषभान भुवो दिशे, इसमें वस्तु निर्देश कर दिया गया हम क्या करेंगे तो वृषभानु भुवो दिशे ए और जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, ये वस्तु निर्देश है, वस्तु निर्देश है जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, और नमस्कार क्या है तस्या नमस्तु वृषभानुभूयो दिशे,
तो जब इतना सुंदर मधुर रस का आस्वादन करने जा रहे हैं तो इसमें इतना भयंकर बड़ा ऐश्वर्य प्रकाश क्यों की? ऐसा है कौन भगवान जो जोगिंद दुर्गम गति कौन है? वो मधुसूदन है। अर्थात जिस रस का हम लोग आस्वादन करना चाहते हैं वो रस साधारण नहीं है। कालिंदी तटवर्ती अतिरम वृंदावन के किसी केली निकुंज में प्रियालाल का विहार चल रहा है। वह प्रियालाल है कैसा है कौन? तो भैया ये किसी के सुगम नहीं। हम कोई चाहे कि इस रस का स्वादन करे तो अपने बुद्धि से तो समझ नहीं कर सकता। अब भगवत गीता पढ़ने वाले इस रस को तो समझ सकेंगे नहीं। गीता में भागवत में गीता की भक्ति को इस रस का जब वर्णन कर किया जा रहा था तो श्री गौरांग महाप्रभु गीता की भक्ति को कहते हो बाह्य आगे कहा। तो जब बाह्य है तो कहने के बाह्य जब है इसको जब गीता इत्यादि बाह्य तो कहे कि नहीं नहीं बाह्य नहीं है ये जरूरी है। मधुर रस के साधकों के लिए जरूरी नहीं है लेकिन जब तक श्री कृष्ण तत्व को नहीं समझोगे तो तुम निकुंज की लीला समझ नहीं सकते। तो एहो बाह्य कह दिए और यहाँ पर एक क्यों कहे मधुसूदनोपि तो ब्रह्म वैवर्त में लिखा गया है मधु शब्द का अर्थ होता है शुभाशुभ कर्म। मधु अशुभाशुभ कर्म करने वाला कौन है? तो श्री कृष्ण। अनंत जन्म का हम लोगों का अभी इसी जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं इसको गणना किया जाए। इस तरह अनंत जन्म का कर्म है। कोई भी साधक अपने साधना से अपने कर्म को नष्ट कर नहीं सकता। अनंत जन्मों का कर्म संचित क्रियमाण और प्रारब्ध तीन कर्म है। इसको नाश कोई नहीं किया जा सकता। इसको नाश करने की सामर्थ्य साधक भी है ही नहीं। यदि कोई सोचे कि हम साधना के बल पर अपने अनंत जन्म के किए हुए कर्म को नष्ट कर सके तो हो ही नहीं सकता। बिना भोगे शुद्धि होगी नहीं। शास्त्रों में लिखा गया है कि न भुंते छियते कर्मम जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम शुभा कर्म शुभा शुभ और अशुभ जितने भी हम लोग कर्म किए बिना भोगे शुद्ध होता है। भोगना ही पड़ेगा अपना कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। तो जीव के वश की बात है इसी लीला में प्रवेश हो जाए है ही नहीं। तो ये शुभा शुभ कर्म को नष्ट करने वाला कौन है? तो ये मधुसूदन मधुसूदन भगवान। एक बार श्री कृष्ण के शरण में यदि कोई जीव आ जाए और आकर के केवल इतना कह दे कि हे नाथ मैं आपका भाव की शरण में हूँ, वास्तव में केवल कहे नहीं शरण में आ जाए तो भगवान कहते अब चिंता मत कर अहम त्वाम सर्व पापे मुच्छिष्यामि मैं नष्ट कर दूंगा। अब प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में क्या पाप है? तो कहते हैं हाँ बड़ा भारी पाप है क्योंकि मैं इसी जन्म में हजारों सन्यासियों का गुरु था। उस पदवी पर बैठ गया था। कैसी पदवी पर? तो जोगिंद्र पदवी पर, साधारण नहीं बहुत बड़े पद पर थे प्रबोधानंद सरस्वती। और उसमें मैंने पाप किया। क्या किया? तो श्री कृष्ण के जो नित्य श्री विग्रह है उसको मिथ्या मान करके हम प्रचार किए। मायावादी लोग सन्यासी लोग श्री कृष्ण के शरीर को मिथ्या मानते हैं, सत्य नहीं मानते, हमारे जैसा नहीं है। तो कहते हैं कि इसी अपराध के मायावादी कृष्ण अपराधी। कि मायावादी कौन है? कृष्ण अपराधी। मायावादी माने बाद माने बोलना माया 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 सब माया। इसको दो बात है, एक ब्रह्मवाद है और एक मायावाद। सन्यासी लोग कहते हैं सारा संसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये मैं प्रवचन बहुत किया, ये शुभ और अशुभ कर्म किया लेकिन जोगिंद दुर्गम गति मधुसूदन के रूप में गौर प्रकट होकर के हमारे शुभाशुभ मायावाद को खंडन करके इस मधुर रस में प्रवेश कर लिया। देखो भाई ये सन्यासी इत्यादि क्या है? ये सूखा चीज क्यों खाते हैं? नीरस वस्तु को पीते हैं। और कृष्ण भक्त क्या है? तो रसमय रस स्वरूप प्रिया जी के केली निकुंज मधुर रस का आस्वादन करते हैं। उसमें सूखा सूखा ही
तो श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से मधुर पुष्प रसम सुद यति खंड यति मधुसूदन, अर्थात राधा और कृष्ण की लीला, ब्रह्मा महेश्वर इत्यादि के जो दुर्गम है, यह श्री कृष्ण राधा रानी का लीला कैसा है? तो राधा कृष्ण ने लीला अति गूढ़तर, जो प्रियालाल का नित्य विहार वृंदावन धाम में जो चल रहा है, प्रति क्षण चल रहा है ये लीला। प्रिया जी कहाँ है? तो जहां रसिक भक्त जिस रस का स्वादन करते हैं वहीं वहीं नित्य विहार चल रहा है। प्रिया जी रसिक महापुरुष लोग बैठ करके अपने कुटिया में प्रिया प्रियतम के दिव्य रस केली का स्वादन करते हैं, तो विहार चल रहा है। काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख विरसत श्यामा श्याम। प्रत्येक भक्तों के हृदय में प्रियालाल का विहार चल रहा है। जो रसिक संत है वो किसी भी कुंज में बैठ करके लाल प्रिया का उस लीला का स्वादन कर रहे हैं। ये बड़ी गूढ़तर है, इसको कोई जानता नहीं है। भक्त लोग तो अपने ज्ञान में प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन इस रस का स्वादन बहुत कम लोग करते हैं। राधा कृष्ण लीला यही अति गूढ़तर, और भगवान के भक्त कितने हैं तो शांत दास सख्य वात्सल इत्यादि रस वालों से बड़ा अगोचर है। इस वात्सल्य रस वाले इस रस का स्वादन नहीं कर सकते, न दास वाले आस्वादन कर सकते, न शांत वाले इस रस का स्वादन नहीं कर सकते। सभे एक सखी गोने रिहाधिकार, इस लीला में यदि किसी को प्रवेश करना है तो केवल सखियां ही इसकी अधिकारी हैं। आ सखी है ते है यही लीला रो विस्तार। प्रिया जी की जो सहचरियां हैं सखियां हैं वही इस लीला का विस्तार करती हैं और फिर स्वादन करती हैं। प्रेम रस निर्यास करते स्वादन, प्रेम रस का निर्यास करना और फिर इसका स्वादन करना है, यही काम ठाकुर जी का है। अब देखिए ब्रज लीला में जोगिंद दुर्गम गति मधुसूदन, ब्रज लीला के रस माधुरी का स्वादन का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? जो दुर्गम गति है शिव भी नहीं समझ सकता है, ब्रह्मा नहीं समझ सकते हैं, नारद सुख संकादिक इत्यादि से भी अति गूढ़तर है, इस लीला को कैसे कोई समझ जाएगा? तो देखिए एक कभी कोई समझ नहीं सकता, इस समझने का एक ही आधार है गौर महाप्रभु आचार्य लोग जिस रस को दिए हैं। लेकिन दुर्गम होते हुए भी सुगम है, कैसे सुगम है? वो गौर रूप में प्रकट होकर के इस रस को रूप गोस्वामी पाद को दिए, रूप गोस्वामी पाद अपने अनुगत को दिए, उनके अनुगत उनको दिए, वही वस्तु धरोहर माल एकदम वही गौर महाप्रभु के माध्यम से आज साधकों के हृदय में आ गया। अब उस साधक के कृपा से ही इस रस का स्वादन हो सकता है। महाप्रभु की कृपा से सिद्ध स्वरूप से श्रीपाद के एक मधुर लीला की इस अनुभूति हो रही। आज भी यहाँ साधक बैठ करके उस परंपरा महाप्रभु जिस रस का अवदान किए उन महापुरुषों का चरण प्रणाम करके करके उस रस का स्वादन करे तो वही रस आज भी स्वादन हो जाएगा। वृंदावन के निभृत निकुंज में प्रियालाल विहार कर रहा है, प्रिया प्रियतम का देखिए लीला है। प्रियालाल का विहार चल रहा है निभृत सुखमय वृंदावन सुखमय श्याम और सुखमय राधा दोहे अनुपम, ये दोनों प्रियालाल इस निभृत निकुंज में सेवा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। विलास के अंत में श्रीमती विलास सैया पर बैठे बैठे प्यारे श्याम सुंदर से कह रही हैं, हे प्यारे अभी सखियां तुरंत आएंगी, आकर के हमको इस स्थिति में देखेंगी तो हमको डांटेंगी, इसलिए आप कृपा करके हमारे जो भी श्रृंगार बिगड़ गया है उसको सजा दीजिए। देखिए हम लोगों को आना कहाँ पर है, बसना चल खेल लोथा धन्याति धन्य पवने में कृतार्थ माने। तो राधा माधव निभृत निकुंज में केली कर रहे हैं और उस केली में सखियां उस रस का स्वादन कर रही हैं। श्रीमती विलास सैया पर बैठी हुई है, कैसे बैठी हुई हैं? जैसे भ्रमर मर्दित कुसुम माला, ये ललिता सखी का आराधना है, किशोरी जी की कैसी आराधना करते हैं। प्रियालाल का विलास चल रहा है और विलास में ललिता सखी उस रस का स्वादन कुंज रंध्र के द्वारा कर रही हैं।
कैसा विलास है, इसको आचार्य लोग बहुत सुंदर गीत गोविंद में विद्यापति जी ब्रज के जितने भी रसिक महापुरुष हैं इस रस का स्वादन किए। ये कैसा विलास प्रिया लाल का चल रहा है, कैसा विलास है। देखिए प्रिया जी की सखियां वर्णन करती हैं, यहाँ का विलास महल में नहीं होता है। प्रिया लाल का जो विलास चलता है कुंज में चलता है, मन में एक कुंज है, कुंज में। प्रौढ़े ललित लतान तरे, इस रस का स्वादन कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। प्रौढ़े ललित लतान तरे कुसुम सेज सुख राशिष ने अधरनी अधर धरे। पौढ़े ललित लतान तरे उरजनी उरज जोरी कटि सो कटि लपटि भुजान धरे। यह रस मत मगन मन सोए, यह रस मत मगन मन सोए भगवत व्यजन करे। पौढ़े ललित लतान तरे, प्रियालाल वृंदावन के निभृत कुंज में किसी लता पिता के नीचे कुसुम सहज पर प्रियालाल का विहार चल रहा है। कैसा विहार है, तो इस विहार में दो नहीं एक ही ना सोरमन ना हमरमन दुहमन मनोभव पेखल जाने। ये सखी से सब प्रेम का ही ये है लीला। आप कुंज रंध्र से मंजरियां सखियां उस लीला का स्वादन कर रही हैं। उसी समय प्रिया जी कहती हैं, प्रिया लाल दोनों का संभाषण चल रहा है, बातचीत चल रहा है, और उस बातचीत को देख करके सखी मंजरियां तीर तोड़ती हैं, राय उतारती है कि कहीं किसी का नजर न लगे। हमारी जुग हमारी जीवन जुगल किशोर, ये संपत्ति है रसिक महापुरुषों की, यही संपत्ति है, बस अब कुछ नहीं चाहिए। प्रिया लाल का नित्य विहार चलते रहे और मैं उसका सेवा सेवक बन जाऊं, सेवोपयोगी हो जाऊं, बस यही आचार्य चरण कह रहे हैं। हमारी जीवन जोगल किशोर कुंज बिहारिनी कुंज बिहारी नित नव जौवन जोर। देखिए सभी संप्रदाय ने इस रस का स्वादन किए हैं। जब प्रियालाल निभृत निकुंज में रहते हैं तो बस एक ही रस है, उस रस को जब स्वादन करते हैं तब